भी करें, मेरी बात रह जाएगी, टाइम खत्म हो रहा है, मेरी बात रह जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ वो इंटेलिजेंस वाले आज भी काम कर रहे हैं, स्पेशल वाले आज भी काम कर रहे हैं। पहले इंटेलिजेंस वाले मुलजिमान को ढूंढते थे, क्रिमिनल डैन ढूंढते थे, अब वो ये काम करते हैं इलाके में किसका कारोबार अच्छा चल रहा है, किसके पास पैसा ज़्यादा है, कौन ज़्यादा आसूदा हाल है, किसके साथ करना है, कौन कितनी मोटी मुर्गी हो गई, किससे को पकड़ के ले आएंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, वो आज ये काम कर रहे हैं। नहीं, मैं इसमें देखें, मैं इसमें बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। और चूंकि ये सारा हम समझते हैं पुलिस बीइंग पुलिस अफसर कि इसमें आधे से ज़्यादा काम वोकला का है। अच्छा, आप देखें ना, बहुत सारे जावेद साहब इस बात से एग्री करेंगे, मैं जानता हूं, मैं इसी एलसी में भी रहा हूं, कि बहुत सारे जराइम पेशा लोगों के पैनल पे वोकला हैं इस वक्त। तो अगर तो वकालत ही करेगा ना? नहीं 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 देखें, एफआईआर के बाद एफआईआर केस खराब कर देते हैं, तफ्तीश में पैसे लेके केस खराब कर देते हैं, अपना टाइम ले लें। नहीं कि मेरी, मैं गोली से इसलिए बचा, बच सका कि सामने पर्दा लगा हुआ था दीवार, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप पहले सुन लेना, आप अपनी बात मुकम्मल करें, टाइम शॉर्ट है। हां, मैं ये कहना चाहूंगा कि जनाब उसकी वजह ये है कि आप बहुत सारे ऐसे वाकयात और इस चीज का जो फीडबैक ले सकते हैं, ईवीएलसी जो नई बनी है हमारी, उसमें आप देख सकते हैं, अगर एक मुलजिम 8 घंटे के लिए किसी तरह से रابطे से हट जाए तो फौरन उसके वकील की तरफ से हाई कोर्ट में और दूसरी जगहों पे एक फैक्स चला जाता है। आप क्या कहते हैं कि क्रिमिनल की वकालत छोड़ दें? नहीं, वकालत ना छोड़ें, उनके पैनल पे ना रहें, केस होने के बाद जरूर करें। पैनल पे आखिरी बात करें, मैं मैसेज आखिरी, मैं मुदाखलत तो नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि शॉर्ट, बस शॉर्ट, टाइम कम है। वकील तो जो है ना अपनी नौकरी या जिम्मेदारी अदा करता है, मुजरिम को भी हक है कि वो अपनी वकालत के लिए साइन करे कानून से। तो ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है कि वकीलों की वजह से, वकील तो जो है ना क्रिमिनल का भी होगा और विक्टिम का भी होगा, फिर ये फैसला करना अदालतों का काम है, जजिस का काम है कि कौन ठीक है कौन गलत है। एक बात ये तो मैं कह दूँ। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा स्ट्रीट क्राइम की, तो मैंने आपको पहले भी वजाहत की, हम तो ये बात करते हैं कि अगर इन हालात में भी ऑनेस्टी के साथ अगर हम सिंसियर हो जाएं, आज भी हम सिंसियर हो जाएं, तमाम इदारों की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं इंशाल्लाह आगे ये मामला। राइट, बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, आप शरीक हुए, मौजू तो ज़ाहिर है बहुत लंबा है, इंशाल्लाह फिर अगले शो में फिर इस पे बात करेंगे किसी शो में। और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने रिज़वान अख्तर शाहिद को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।